वालेकुम आदाब मैं हूं आपका मेज़बान ख़ुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद लाहौर स्पेशल एडिशन चाय खाना का आपके लिए लेकर हम हाज़िर हुए हैं और इसके तहत आपने कई ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिनके ज़रिए हमें ये पता चला कि इन दोनों शहरों में जो तख्लीकार हैं जो फ़नकार हैं जो अदीब हैं महक्न हैं वो क्या कर रहे हैं काम की क्या नौत है और क्या अदबी मंज़रनामा है ताज़ा तरीन इस हवाले से गुफ्तू हो रही है इसी सिलसिले में आज का ये इंटरव्यू बहुत अहम है क्योंकि ये एक शख्सियत का इंटरव्यू भी है और ये एक इदारे का जो है वो समझ लें कि ताज़ा तरीन मंजरनामा भी है जो हम आपके लिए लाए हैं आज हमारे साथ जो शख्सियत मेहमान हैं वो अकेडमी ऑफ़ लेटर्स यानी अकादमी अदबियात पाकिस्तान की चेयरमैन भी हैं और सिर्फ़ वो चेयरमैन ही नहीं बल्कि अपनी जात में एक उमदा शख्सियत बहुत उमदा महक् और उसके साथ साथ मुदीराना हैसियत से भी उनकी कावशें काबिल दीद हैं और दीगर जहतें जिन पर मैं चाहूँगा कि हम बर रास्त गुफ्तु करें तो बग़ैर किसी तख़ीर के गुफ्तु का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं आज के माया नाज मेहमान डॉक्टर यूसुफ़ खुश से अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर सर कैसे मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह खुरम साहब आप ठीक हैं बिल्कुल ठीक हूँ सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतनी इस कदर मसरूफियत है आपकी मैं झाती तौर पर वाकिफ़ हूँ उस मसरूफियत से लेकिन आपने वक्त दिया नहीं जो मेरा ख्याल है कि जिंदगी की काम का दूसरा नाम है और आपका शुक्रिया आप आए मेरे पास और यकीनन आप जैसी शख्सियतों से मिलना और फिर उनसे बातचीत करने के बाद हमें तो रहनमाई मिलती है हौसला मिलता है कि आप किस तरीके से और कितना अच्छा काम मज़ीद कर सकते हैं और बहुत कैसे बहुत करना चाहिए तो मेरा ये ख्याल है कि मैं आपको वेलकम भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत शुक्रिया तो गुफगू का आगाज़ करते हैं आपके अदारे से ही अकादमी अदबियात पाकिस्तान एक ऐसा अदारा है जिसके लिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का शायद ये वाद अदबी इदारा है जो माशी तौर पर मजबूत है और ये अदब के साथ जो हमारे यहाँ माशियात हमेशा कमज़ोर रही लेकिन इस इदारे की जो है तारीख बारक्स है लेकिन फिर भी एक आम गुमान ये है ये आम गुमान है आप बेहतर बताएँगे कि अदीब के लिए सरकार संजीदा नहीं है और इदारे संजीदा नहीं है और अक्सरियत का ख्याल ये है सबका ऐसा नहीं ख़्याल आपकी इस नुकते पर क्या राय है नहीं मेरा ये ख्याल है कि देखें इस इदारे के क्याम का बुनियादी मकसद ही यही है कि अदीबों का ख्याल रखना और अदीबों की पजीराई रहे और अदीबों की सरपरस्ती हो पाकिस्तान की अदबी ज़ुबानों की सरपरस्ती हो तो मेरा ख़्याल है कि ये बात खुद इस अदारे में बैठकर और इस इदारे के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी मौजूदगी इस बात की नफी कर देती है कि गवर्नमेंट जो है वो अदीबों का ख़्याल नहीं करना चाहती तो हाँ ये अलग बात है कि तवक्कुआत पर पूरा उतरना जी। और उसके लिए तगोद करना उसमें जाहिर है कि एकेडमी का रोल जो है वो ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकता है तो उस पर ज़रूर सोचना चाहिए तो अगर ये ख्याल है तो उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है लेकिन अलहमदल मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में एक आदमी अद्बियात पाकिस्तान के दफ़ातर हैं पाकिस्तान में तीस से ज़्यादा अदबी इदारे हैं जिनको पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के तवसत से फंडिंग की जाती है गवर्नमेंट के ही पैसे होते हैं इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में मुख्तल ऐसे लोग जो के अदीब हैं लेकिन माली या जिसमानी हवाले से अब उनमें वो ताकत नहीं रही तो अकेडमी उनकी भी सपोर्ट करती है तो इसके अलावा उनकी उनकी कुतुब और उनके शाती सिलसिले को जो है किस तरह बेहतर से बेहतर किया जाए और पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें क्योंकि पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर का बुनियादी जो मकसद है वो सिर्फ एक ज़ुबान नहीं सिर्फ दो जुबानें नहीं या सिर्फ जे। दस जुबानें नहीं लेकिन यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी जुबाने बोली जाती हैं उनमें जो अदब लिखा जाता है उस अदब की जरखेज़ी के लिए उस अदब के और अदीबों को जो है वो तकवियत फ्राहम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के कानून में उसके एक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि वो उसको करना चाहिए तो हम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं और शुरू से करते चले आए हैं लोग 40 साल से ज्यादा इस इदारे को हो गया है लेकिन जाहिर है कि आप ये कह सकते हैं कि जो तो वही आदमी को जिला देती हैं कि उन उम्मीदों की बुनियाद पर मज़ीद बेहतर कोशिश की जाती है बिल्कुल तो अगर हैं तो उनको बेहतर करने की कोशिश बिल्कुछ की बिल्कुछ जाएगी बिल्कुल और ये जो एक दो सवाल मैं इस तरह के पूछ रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर इज्तिमाी नोयीत के इनका तल्लु बर रास्ता आपकी नहीं तभी तो मैंने चालीस साल का हवाला दिया कि तो तो <laughs> <बड़ा। एक साल। laughs> तो, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ इसी तनाजुर में डॉक्टर अनवर सज्जाद एक बहुत बड़ा नाम अदब का कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ तो सोशल मीडिया पर उनके हवाले से वायरल हो गई चीजें कि उनके पास आखिरी दिनों में इलाज के पैसे में असर नहीं थे और फिर अक्सर हमें कई और केसेस भी ऐसे दिखाई देते हैं माजी में तो ये सोशल मीडिया से ही पता चलता है आवाम को क्या ये अच्छा हो गए इदारे पहले पहुँचे कोई ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए बिल्कुल आप वजह रहे हैं एक्चुअली uh, एक तो हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है और वो तमाम सूबों से लोग वहाँ पर मौजूद हैं सूबाई सतह की कमेटियाँ बनी हुई हैं और वो कमेटीज़ जो है ना उन जुबानों से वाबस्त अदीबों की बनी हुई है तो अकेडमी तक जब तक ख़बर पहुंचती नहीं क्योंकि फार्मल तरीके से चीज़ों का जो है वो पहुंचना या इनफार्मल ही पहुंच जाए तो उसके बाद तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और आ, 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 लीगली भी एंड मॉरली भी ना हम बाउंड हो जाते हैं कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है जो कि हमारे ला हमारी जो अपना पॉलिसी हमें इजाज़त देती है उसके तहत तो हम रश करते हैं मदद करते हैं।, हैं और करनी भी चाहिए और हमें ये ज़रूरी भी नहीं कि उसके लिए कोई तशहर हमें चाहिए लेकिन यह है कि खबर पहुँच गई और उसको सिर्फ वेरीफाई कर दिया तो कई मकाम पर हम लोग जो है बज़ात खुद भी जाकर जो है वो करते हैं तो बस बुनियादी चीज़ यह है कि ये जो गैप है तो ये जो आप बता रहे हैं तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के तकरीब डिवीजन्स में से जो है ना एक एक बंदा है जिम्मेदारी के करीब लर्निड बॉडीज हैं जिनको हम फंडिंग करते हैं जो नहीं, 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 है जो आ, उन वो उन जुबानों से वाबस्ता अदब को छापती है तो जाहिर है वो अदीब जब बीमार है तो पहले उसका भी ये फर्ज बनता है कि वो हमें फौरन जो है ना वो तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर गैप कहीं पे है तो होना नहीं चाहिए लेकिन इस चीज़ को जो है वो बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशिशें जरूर होनी चाहिए ताकि जो है ना एकदम से रसाई हो लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स शुरू से लेकर अभी तक ना उसका बुनियादी काम ही अदीबों की फलाह है और जिस तरह अभी आपने इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लिया मुझे नहीं पता कि उसकी क्या वजह है कि वहाँ तक इस तरह से चीज़ों का आगे बढ़ जाना लेकिन अकेडमी अपना रोल प्ले कर रही है और करती रहेगी बल्कि मैं आपके चैनल के तवस से ये कहूँगा कि भाई जो भी आदमी ये महसूस करता है कि यहाँ कोई अदीब लिखने वाला वो किसी ऐसी हालत में है जो बाद दफ़ा तो ऐसा होता है लोग कह नहीं पाते, पाते। उन तक हम खुद तो पहुँच जाते हैं पोशी होती एग्जैक्टली exactly, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए लेकिन हम तो समझते हैं ना तो हम बजाते खुद रश करते हैं जाकर वहां पर लेकिन तो अब पता ही ना चले तो पाकिस्तान में तो जो है कि इतनी बड़ी तादाद है उसमें हो सकता है कि किस इलाके में बहुत अच्छा लिखने वाला बहुत अच्छा मारूफ शायर अदीब लेकिन वो हुजूर शर्म हो कभी बात भी ना करे अपने पड़ोसी को भी ना बताए और ऐसे बंदे की खबर जो है वो हमें इंतकाल के बाद मिले तो सिवाय दुख और दुआ के और क्या किया जा सकता है ये तो बुनियादी चीज़ यह है कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और अकेडमी के का जो किरदार है वो पाकिस्तान की तमाम जुबानों के अदीबों के लिए बिल्कुल ओपन है और हमारी कोशिश यही है रहती आई है और आइदा रहेगी कि दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब एक आध सवाल और इसी ज़मीन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आ, बहुत एक अरसे से ये बहस जारी है कि प्रिंट का ज़माना ख़त्म हो रहा है अखबार पढ़ने में कमी आ रही है किताब पढ़ने का रिवाज कम हो रहा है तो आपकी जो शख्सियत है मैं जितना वाकिफ़ हूँ आप उस ज़माने से डिजिटल हैं जिस ज़माने में अभी डिजिटल की ज़रूरत लोगों ने महसूस भी नहीं की थी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस हो या चाहे सेमिनार्स हो या तहकीक के सिलसिले में मुख्तलिफ किए गए काम हो तो मैं उसकी तफसील में जाए बग़ैर बर रास्त ये पूछना चाहूँगा कि इस डिजिटल एज में किताब इसकी इशात और प्रिंट का मुस्तकबिल कहाँ है बड़ा शानदार मुस्तबिल है क्योंकि किताब जो आपने और मेरी जनरेशन ने देखी ना दे। वो किताब तो हमारे हाथों से छूट रही है ना इसमें कोई शुभ नहीं लेकिन किताब अपने नए फॉर्म में अपनी नई शक्ल में जिसका नाम आप डिजिटल किताब कहें क्योंकि ये किताब जो जो कागज़ की खुशबू है जे. जो गत्ते वाली किताब है ये इसका दौर ख़त्म हो रहा है ये हमें मान लेना चाहिए हुँ। हुँ। लेकिन किताब नहीं ख़त्म हो रही किताब जो है डिजिटल रूप में बड़े आसान अंदाज में और बड़ी बेहतर अंदाज में जो है वो आ रही है और तेजी से मिले मैं आपको एक मिसाल दूं। आपके पास है वाले आपसे नाराज होंगे घर कुतुब खाना बना दिया आपने ऐसे। तो ऐसी पोजिशन में अब आप मुझे देखें कि हर आदमी लाखों कुतुब अपनी मोबाइल में लेके घूम सकता है ये भी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि किताब खत्म हो रही है किताब तो मजीद जो है वो आसानी से फ़राम हो रही है किताब मज़ीद पब्लिश हो सकती है और वो पैसा जो कि कागज़ पे वो पैसा जो कागज़ बनने पे जो है वो ख़र्च होता था या जो पॉल्यूटेड चीज़ें जो है वो हो रही थी हमारी इस पूरे इन्वामेंट को ख़राब कर रही थी उनसे भी छुटकारा मिल रहा है लेकिन मसला ये है जो दूसरा कनेक्शन आपके सवाल का था ना जो आप कह रहे हैं कि किताब पढ़ने वाला जो रुझान है वो ख़त्म हो रहा है वो एक्चुअली मैं उसको यूँ कहूँगा कि हमें डिजिटल दौर को सामने रखते हुए अब उसके पढ़ाने का और पढ़ने का अंदाज़ भी थोड़ा सा तब्दील करना है ना मसलन कुतुब ख़ाने का जी अगर रिवाज हम कहते हैं कि ये बरकरार रहे तो वो ज़माना आप भूल जाए ना कि वो कुतुब खाना जिसमें चारों अतराफ़ किताबें लगी हों और आप जाके वहाँ बैठें और वहाँ पर जो है ना वो किताब अलमारी से निकले लाइब्रेन आपको दे ये नहीं अब ये नहीं हो सक उस कतुतुब खाने में आप और मैं तो ख़ुशी से जाएंगे हमारे बच्चे नहीं जा सकते सही। तो अब जाहिर है कि आपको अगर उस लाइब्रेरी में बच्चे को ले जाना है या उस रीडर को ले जाना है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप के एफ सी और मैकडोनल्ड से ज़्यादा वाई फाई वाले कुतुब तो उन्होंने बनाया कि वो इन्वायरमेंट आपको जो है ना बात? उस आदमी का जी चाहे है, जैसे आपका चाय खाना आ, तो वो वहाँ पे काफ़ी भी पिए और दोस्तों से मिल भी रहा है लाइट म्यूजिक भी है कान में उसने अपनी किताब भी जो है में ये कल्चर आ चुका है तो हमें चीज़ें देखें मैं अगर बच्चे को कहूँ कि आप का एक घंटा जो है ना वो लाइब्रेरी के लिए है आपने इस कमरे में बैठ के पढ़ना है तो मेरा ख़्याल है वो मुझसे भी नाराज़ रहेगा माँ से भी नाराज़ रहेगा नाराज रहे कैद महसूस करेगा और उस घंटे से मतलब एक एलर्जी उसको होगी लेकिन उसी जगह पे उसके मोहल्ले में उसके शहर में एक ऐसा कुतुबाना तो हो जहाँ पे वो सारा इन्वायरमेंट हो जो कि आदमी की ड्रीम में है जी, ये जिस जैसे वो मैंने दो इधार जो है वो मिसालें दी के एफ सी की और मैकडोनल्ड्स की इस तरह का इन्वायरमेंट अगर वहाँ पे मुझे साथ प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है साथ जो है वो आपकी वाईफाई के बेहतरीन किस्म की चीज़ें जो है तो ये हमें हुकूमती सतह पर भी गवर्नमेंट की सतह पर भी लोकल सतह पर भी सोशल सतह पर भी अब कुतुब खानों के रिवाज को इस तरह बदलना लेकिन रीडिंग अब मसला रीडिंग में आँखों का इस्तेमाल होता है ना लेकिन अब देखें कि हमारी किताबें जो है वो वॉइस रिकॉर्डेड किताबें आ रही हैं तो ये भी बड़ा आसान सा थे। आप जिस तरह म्यूज़िक सुनते हैं इसी तरह कहानी आपकी किताब में यानी मैं कहता हूँ ये इतना आसान होगा कि अगर वो राइटर जी। जो किताब लिख रहा है वो अपनी आवाज़ में अगर हम हम ये कह दें कि वो अपनी आवाज़ में उसको कलम अपना बंद करके और वो सीडी भी एक उसमें डाल दे तो मुझे बताएं कि मैं खुरम से बरह रास्त भी उसको सुन रहा हूँ और जिस उस एक्सप्रेशन के साथ जिस 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 फीलिंग के साथ जिस ताकत के साथ आपने उस कहानी को लिखा है उसी ताकत को मैं आपकी टोन से भी फील करने लगूंगा ना तो अब थोड़ा सा राइटर को भी आ, उन टूल्स के करीब जाने की ज़रूरत है और आ, अगर वो बरह रास्त नहीं जा सकता तो किसी से मदद लेने की जरूरत है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है लेकिन अब हमें वक्त की रफ़्तार के साथ चलना होगा डॉक्टर साहब गुफगू में बहुत मज़ा आ रहा है तो दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन क्या करें वक्फा भी ज़रूरी है तो एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं और जो हम बातचीत कर रहे हैं यहीं से गुफ्तु के तसलसल को जोड़ते हैं नाजीन हमारे साथ रहिएगा एक छोटा सा वक्फा है और वापस आते हैं और गुफ्तगु करते हैं जहाँ हम छोड़े जा रहे हैं जी आप जानते हैं गुफ्तु हो रही है डॉक्टर यूसुफ़ ख़ुश साहब से और एक ऐसी शख्सियत जिनके यहाँ तहकीक़ का मामला भी बहुत उम्दा है इल्म का मामला भी शानदार है अदबियात भी है तहकीक भी है फ़िक्शन भी है नॉन फिक्शन भी है और सबसे बढ़कर वो एक इल्मी रचाव और ज़रखेज़ी है जिसकी हमें ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है अकादमी अद्व्यात पाकिस्तान की सरबराही आज कल ऐसे हाथों में है जी हाँ डॉक्टर यूसुफ़ खुश साहब अच्छा डॉक्टर साहब आपका एक हवाला बुनियादी और बड़ा हवाला तलीमी है एजुकेशन सेक्टर है और उसमें भी आप बहुत संजीदा महक्कीन में आपका शुमार होता है आपका वो रसाला जो अलमास खैरपुर जो सिंध यूनिवर्सिटी से निकलता था मैं उसका ज़ाती तौर पे भी बहुत खाश खैरपुर से, से। शालती, जी, जी। शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से मैंने उसको देखा पढ़ा उससे बहुत मुतासर भी रहा और हैरान होता था मैं यकीन जानिए सच बोल रहा हूँ कि मैं वाकिफ़ भी नहीं था आप कौन है और मैं कहता था ये कौन काम कर रहा है नहीं, नहीं। और ये एक ऐसा इलाका जहाँ का मतलब ज़रा सोचने में मुश्किल होती है आ, हमें कि मतलब कराची हो लाहौर हो तो हम सोचें भी लेकिन खैरपुर जो बनस्बत ज़रा कम वसायल वाला इलाका है तो ये तहकीक़ की ये लगन कैसे आई दर आई पढ़ाई के साथ फिर तदरीस के साथ आपने इस तहकीक़ को क्यों लेके चले क्योंकि मैं इसमें जोड़ देता हूँ सवाल कि मुझे बड़ा ये कल्क है कि यहाँ हमारे यहाँ जामियात से जो लोग पी एच डी करके निकल रहे हैं उन्हें अक्सरियत को अपने मौजू पर बात करने की जो है वो दस्तरस नहीं है तहकीक का हाल इतना बुरा फिर एच ई सी ने जो लाजमी कर दी डॉक्ट्रिय पी एच डी उसने और काम ख़राब किया भर्ती के लोग बहुत आए इस सारे मंजर नामे में और एक ज़माने से आप इतनी संजीदा तहक़ीक़ कर रहे हैं ये लगन कैसे हुई और ये जो हमारे यहाँ तहकीक़ का मेार ख़राब हो गया इसका क्या आप वजह समझते हैं बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि इस सवाल से मेरा एक जज्बाती लगाव भी है सिंधी यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ता था इट्स माई मदर इंस्टीट्यूट क्योंकि पहले आपने उसके साथ मुझे जोड़ा बाद में ज़रिए मुआश तो मेरा शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी बना दोनों यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर डॉक्टर इस्लाम साहब अच्छा वो सिंधी यूनिवर्सिटी से एक तहकीक रिसाला निकाला बिल्कुल तहकी अच्छा अब हम जब एम में दाखिल हुए एक तो तलब इलमों से प्यार करना उनकी तरबियत करना

अच्छा हमें ये पता नहीं होता था कि डॉक्टर साहब हमसे कौन सा काम ले रहे हैं अच्छा वो ये कहते थे एक मजमून आ गया उस मजमून में जो है हवाले लिखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये किताबें जाके सेंट्रल लाइब्रेरी में ढूंढे अच्छा और ये हवाला जो लिखा गया है इस एडिशन के मुताबिक देखें कि उस किताब में है अच्छा अच्छा हम चार पांच स्टूडेंट जो हर साल वो रखते थे अपने साथ वो दो दो मजमून हमें पकड़वा देते थे या एक एक मजमून दे देते दे थे और हम चले जाते थे लाइब्रेरी में और फिर वहाँ जा देखते थे कि हाँ है या नहीं है ये ऐसी तरह लिखा हुआ है या नहीं है तो उन्होंने ये हमें गैर महसूस तरीके से हमारी ट्रेनिंग की कि किस तरह से काम होना चाहिए और फिर हम बाफ़ा चीज़ें लेकर भी आते थे कि बिल्कुल गलत हैं अपने तौर पर मन गढ़त चीज़ें हैं और या फिर ये कि जो है वो सही इंदराज उनका नहीं है या बिल्कुल ठीक है तो वो एक्चुअली यानी

तो वो ख़त हमें दिखाते थे कि ये देखिए जनाब इसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी लेकिन hmm. वो गलती नहीं होती थी वो एक्चुअली हमें सिखा रहे थे तो खत इस तरह लिखना है hmm. अच्छा जब मैं आ गया शाहफ यूनिवर्सिटी में hmm. तो मैंने कहा कि सर मुझे आप जो है ना अब एम फिल के लिए भी तो उसने कहा भाई बात सुने सबसे पहली बात यह कि जिस इदारे ने आपको गोद ले लिया जरिया मुआश बन गया पहले आप उससे भी मोहब्बत का इजहार करें अच्छा तो वहाँ पे खैरपुर में बड़ा शानदार कुतुब खाना अच्छा वीरों के जमाने से अच्छा आजकल वो सचल सरमस्त लाइब्रेरी कहलाता है ठीक है तो वो मीर साहेबान ने कायम किया था तो उस कुत, उस कुत खाने में उस वक्त भी किताबें थी वाह तो उस वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि कलमी नुस्खे हैं मखतूत मौजूद हैं तो वहाँ आप उनकी फहरिस्त बनाए अच्छा मैं समझा फहरस्त बनाना जो है कौन सा मुश्किल काम है <laughs> मैंने क्या किया कि एक हफ्ते के अंदर सौ किताबों की फहरिस्त बना डाली और मैं लेकर चला गया डॉक्टर साहब फहरिस्त जैसे बनती है किताब का नाम लिखा पब्लिशर का नाम लिखा और सन लिखकर जो है वो मैं चला गया सर ये इतनी किताबें मुझे कहने कहने भले भले मानस मानस उनको जब आता था वो कहते थे तो लगे और फिर उसके बाद हम करेंगे के किस प्रिंसिपल के तहत आपने जो है ना फहरिस्जी बन अच्छा फिर मुख्तलू की फहरिस्तों का मैंने जायजा लिया केटलागिंग के को जो है, वो पढ़ना शुरू किया लाइब्रेरी के जो दर्जाबंदी है उसको डॉक्टर साहब ने अप्रूव किया अब उसमें किताब का नाम मुसनफ़ का नाम अच्छा किताब में मौजूद जो लिखा गया है वो खत कौन सा है क्योंकि ये मखतूत थे ना अच्छा उसमें ख़त के बाद जो है ना किताब में सफ़ा कितने सफ़ात हैं फ़ी सफ़ा सतरें कितनी हैं सतर लफ्ज़ कितने हैं अच्छा ये तो थी मजदूरी बुनियादी काम जो उसमें था ना कि कैफियत लिखें अब उस पूरी किताब को आपने जो है ना वो एक सफे में या जो है आज हम पे अकदा खुल रहा है या इतने तहकीक तहकीक कैसे बनी? वो दो बरस मुझे लग गए अच्छा फिर मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो ये मुझसे काम करवाया है इसकी अहमियत क्या होगी क्योंकि उसमें जो मखतूत थे वो न सिर्फ अदब से वाबस्ता थे इलि तिब के भी थे फलकियात के भी थे हैद के भी थे मौसीकी के भाँ भी भाँ थे भाँ एक दिन ना खैरपुर में अच्छा वो किताब जो है ना मेरी जैसे ही मैंने तैयार कर ली डॉक्टर साहब के हाँ मैं ले गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अब किताब जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करें कि वो इसको पब्लिश करें मैंने यूनिवर्सिटी को किताब दी उस ज़माने में हुआ करता था यूनिवर्सिटी ग्रांस कमीशन ना एच नहीं हुआ करता था हमारे वाइस चांसलर थे डॉक्टर बशीर अहमद शेख साहब उन्होंने वो किताब जो है ना वो भेज दी यू अच्छा सी को अच्छा यू जो है एक्सपर्ट्स को भेज दी कि आप राय दें क्योंकि का एक अपना ही स्टाइल था तो वो जब राय आई मेरे लिए तो ये बड़ी बात थी कि किताब छप जाए उन माहरीन ने लिखा कि ये जो इस बंदे ने काम किया है इसको यूनिवर्सिटी जरूर शाया करे ये तो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट है लेकिन उसको मुआवजा भी वाह <laughs> तो वाइस चांसलर ने मुझे बुला के कहा कि ये आपकी तो यूजीसी में कोई जान पहचान वाला है।, है और मैं उनको देख रहा था तो फिर उठ के उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे कहने लगे कि अगर तुम इस राह में इसी तरह काम करते रहे तो बहुत आगे जाओगे तो बस दफ़ा इस तरह के अल्फाज भी आपको हौसला देते हैं क्या बात? तो वो किताब छप गई तो उसमें मैं एक दिन खैरपुर में था तो हाफिज इस्माइल जी अभी मेरा ख्याल है रिसेंटली रिटायर हुए ना उस लाइब्रेरियन थे मुझे कहने लगे कि एक हॉलैंड के एक आए हैं अपना स्कॉलर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो के स्कॉलर्स मिलना चाहते हैं लिटरेचर के हैं मौसी के हैं अच्छा वो जब वो मेरे पास उसको लेकर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ये किताब जो है वो हमने यूरोप में खास तौर तो पर हमने कैम्ब्रिज को भी भेजी थी क्योंकि वो फिर यूनिवर्सिटी ने ही भेजी थी तो कहने लगे कि इस फहरिस्त को पढ़ने के बाद ये कलमी नुस्खा मुझे मौसीकी से वाबस्ता पूरा जो है ना खिता में ढूंढता रहा हिंदुस्तान बांग्लादेश आपके इस तो कुतुब खाने में जब मिला तो मैं सिर्फ आपसे मिलने इसलिए आया हूँ काम यहाँ से हो गया कि वो म्यूजिक से जो तो मुझे कि ने किस तरह हमें क्या बात? किया, किया क्या बात है? कि एक दिया और वो दिन मैंने आज देखें खुशी से आपसे जिक्र किया मिला था और उसके बाद फिर जाहिर है कि आपने जैसे कहा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ तो वो फिर मैं जब जर्मनी गया 2006 हज़ार छः में न अपना पोस्ट डॉक्ट्रेट पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ तो कागज़ यूज़ ही नहीं हो रहा था ई मेल्स जो है वो हो रही थी और सारा रबता जो है वो मतलब इसी तरह ही था तो वापस आने के बाद फिर मैंने ये देखा क्योंकि वहाँ जो मुझे बुक्स चाहिए थी कि लाइब्रेरियाँ वहाँ बड़ी शानदार को, को तो खाने बहुत शानदार लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो चीज़ें कंप्यूटर पे वो सॉफ्ट में भी मौजूद हुआ करती थी जैसे फिशेस हैं इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने वो भी संभाल के रखी थी फिर वापस आते ही फिर हमने जो है ना ये सोचा कि क्यों ना इसको ऑनलाइन कर दिया जाए और उस वक्त ऑनलाइन हमने उनको किया जो है वो यूँ कहना चाहिए कि तस्वीर के शेप में जो है ना मिरर फोट जो है वो रखा वो क्योंकि हेवी फाइल होती थी लिखने वाले भी बड़े मेहरबान रहे जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान बंग्लादेश यूरोप से तो वो मेहरबानी फरमाते थे और मुझे याद है कि एक, एक शुमारे में हम हमें हदबंदी होती थी कि बीस से ज़्यादा मजमून आप नहीं शाया करते और मेरे पास तीन तीन शुमारों का जो है ना मवाद पड़ा होता था आहा। आहा। लेकिन उसमें है। एक सा हम लेते हैं और जो हम बातचीत कर रहे हैं यहीं से गुफ्तु के जोड़ते हैं नाजरी हमारे साथ रहिएगा एक छोटा सा वक्फा जी आप जानते हैं गुफ्तगु हो रही है डॉक्टर यूसुफ खुश साहब से डॉक्टर साहब पढ़ाई लिखाई तहकीक इलमियत चेयरमैन साजी सारा कुछ अपनी जगह लेकिन एक नौजवान जो ख़्वाब देखता है एक सिंध के एक इलाके से एक शहर से और फिर एक दही पस मंज़र के साथ निकलता है ख्वाबों की ताबीर लेने वो कैसा तलेब इम था घर का माहौल कैसा था वो किस तरह के ख्वाब देखता था ये जानना चाहता हूँ अच्छा देखिए मैं मेरी सारी तालीम गवर्नमेंट स्कूल्स की है ना ठीक और मुझे याद है कि मेरे घर के बिल्कुल साथ ही स्कूल था और उस स्कूल में किसी अटेंडेंट का तस्वर नहीं था न? सही कौन सा इलाका ये आ, सेवन शरीफ के तहसील सेवन शरीफ आपकी पेदाइश सेवन सेवन शरीफ, सेवन शरीफ, सेवन शरीफ की, की तहसील में है गांव है मेरा बम्भन सईदाबाद के करीब जो है ना ठीक मैं वहीं पैदा हुआ तो स्कूलिंग के लिए जैसे बच्चे जाते हैं तो हम जाते थे तीसरी क्लास के बाद यानी मैं तो वो बच्चा हूँ जो लकड़ी की तख्ती लेके और मुल्तानी मिट्टी से उसको ठीक करने वाले बच्चे जो है ना वो ले हाँ। जाके पढ़ने वाले इस तरह से हमने पढ़ा, पढ़ा है ना दवा एग्जैक्टली तीसरी क्लास के बाद जो शेयर करने वाली बात है वो ये है कि स्कूल की ज़ुमेदारी हम बच्चों पर होती थी कि वहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं होता था हम पाँच बच्चे दो पाँचवीं क्लास से एक चौथी क्लास से दो तीसरी क्लास से इस तरह मिला के टीचर टीमें बनाता था और हमारे लिए दिन मुकरर होता था कि फ़र्ज़ करें मेरे लिए दिन मुकरर होता मैं, मैं जिस टीम का हिस्सा था उसमें बुध का दिन मुकर था कि बुध वाले दिन हमने स्कूल की जाके सफाई करनी है सुबह सुबह हम सवेरे जाते थे झाड़ू भी लगाते थे वो जो फटे वाली बेंचें होती थी उनको क्योंकि वो एक ही कमरे में बंद की जाती थी दो कमरे होते थे निकालते वक्त सुबह तीन क्लासें बना दे, जा अपना पांच क्लासें बना ली जाती थी तो उनकी सफाई करना पानी से छिटकाव करना उस की टेबल को साफ करना ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल था ना और हफ्ते में एक दिन लेकिन उस दिन अम्मी मुझे जगाती थी कि जाओ आज तुम्हारी बारी है तो सिंधी में हम कहते हैं उसे वारो तो वो कहते थे कि भाई आज तुम्हारा वारा तुम जो वारो है उठी वन जो है अगर मैं नहीं जाता था तो बच्चे पड़ोसी आ जाते थे कि हेलो इसको उठाओ चले आप हमारे साथ अच्छा तो ये ये हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल होता था एक ही उस्ताद होता था सामने कुर्सी पे बैठा होता था इस साइड पे पाँचवी क्लास के दस बच्चे बैठे होते थे बारह बच्चे चौथी क्लास के छः बच्चे तीसरी क्लास के वो बारी बारी तीनों क्लासों को पढ़ा भी रहा होता था और बिजी भी रखता है यहाँ पे हमें डिक्टेशन दे दी वाह मसला रियाजी के जो है कुछ सवाल लिख दिए उन्होंने पाँचवीं क्लास वो कर रही है चौथी वाली को कहने लगे कि जी आप रीडिंग करें और जो तीसरी वाले स्टूडेंट हैं उनको कहा कि आप पहाड़े याद करें यानी ये तीनों क्लासें एट अ टाइम उसने बिज़ी रखी है और द वन टीचर वाह और क्या उस टीचर का मतलब आज भी दिल में एहतराम है तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे तो इसी तरह क्या नाम था आ, वो था वो अल्लाह बचाओ अच्छा बहुत ही इज़ वेरी नाइस टी, टीचर उसने हमारी ग्रूमिंग में बड़ा रोल प्ले किया ना। अच्छा उसके बाद क्योंकि पहली दूसरी मुझे याद नहीं है कि हु द टीचर ना लेकिन ये अच्छा उसके बाद फिर पांचवी के बाद हम छठी क्लास में गए भान सदाबाद हाई स्कूल में तो वो लम्हे बड़े खुशी के थे कि हमें कापी मिली थी और अब हम पेन से लिखेंगे ना क्योंकि वो कलम हमसे छिन गया था और वहां पर भी जो उस थे उन्होंने मतलब जिस अंदाज से हमें पढ़ाया फिर कॉलेज के लिए जो है मतलब आफ्टर मैट्रिक मेरे भाई जो है वो और वो मुझे ले गए हैदराबाद में मॉडल स्कूल हैदराबाद में जाकर जो है वो शुरू हाँ। लेकिन मैं रोता रोता गया था आ, वहाँ आई वॉज नॉट हैप्पी टू गो याद है गाँव क्या वो मतलब मेरे भाई अक्सर मुझे कहते थे यार क्या मसला है तुम क्यों नहीं चलना चाहते मैं कहता था मैं वहीं रहना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं टची इस मामले में लेकिन माय फादर वाज वेरी नाइस मैन अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे माँ मेरी चीज़ों को जो है वो कहती थी कि जो यूसुफ कहता है होने चाहिए लेकिन बाबा कहते थे कि इनके फ्यूचर के लिए ये बेहतर है लेकिन वो मेरा ख्याल है इब्तई तीन छः माह जरा मुश्किल हुई लेकिन जब वहाँ दोस्तियाँ डेवलप हो गई तो फिर जाहिर है कि वो हैदराबाद ज़्यादा अजीज़ होने लगा सही और तकरीबन आठ दस बरस वहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी भी फिर वहीं मैंने तालीम हासिल की और यूनिवर्सिटी का जिक्र जैसे थोड़ी देर पहले किया कि वहाँ टीचर बड़े शानदार मिले ना सही हाँ, बस मैं कहता का बड़ा हाँ, किरदार है मतलब मैं तो कहता हूँ ये ये अगर हमसे शेयर करें अब देखिए मैं अगर जैसे प्राइमरी का आपने मैं, मैंने आपसे शेयर किया तो मैं हाई स्कूल में अगर बात करूँ तो अली मोहम्मद सूमरो थे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब कर क्या कमाल उस्ताद थे अच्छा ड्राइंग टीचर थे हमारे जो है ना खैर मोहम्मद तो वो म्यूज़िक भी जो है हमारे स्टूडेंट्स अच्छा। के लिए एंटरटेनमेंट का जो है वो करना और उनके प्ले ग्रुप्स बनाना बाटनी के टीचर थे हमारे जो कि हमारी शजरकारी के लिए जो है एक जरात की क्लास होती थी तो वो तो इसी तरह ये नाम जो अभी मुझे याद है मैथमेटिक के टीचर से मुझे बड़ा खौफ आता था अच्छा। वो असलम हमारे आराई साहब थे अभी अच्छा। सुन रहे होंगे मेरा ख्याल है अस्सी से ज़्यादा अला उन्हें जन्नत दे अपना उनके वालदेन को जन्नत दे उनको सेहत जिंदगी और ख़ुशियाँ दे तो क्योंकि रियाजी में आई वॉज नॉट गुड ना तो वो चाहते थे कि मुझे परफेक्शन होनी चाहिए लेकिन यह है कि वो भी मुझे याद है लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे जमाने में तो पिटाई का रवाज भी था ना तो कभी कभार हो भी जाती थी लेकिन उसने कभी भी मैथ को पढ़ाते हुए किसी भी तालब इलिम को कभी मारा नहीं मुझे हैरानी है हम नहीं कर सकते थे बार बार लेकिन नए थे अच्छा वो कई दफ़ा ये भी बोलते थे मैं आपको क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ

मतलब यह है कि शायद उनके अप्रिसिएशन का अंदाज़ या यूँ कहना चाहिए कि जिस अंदाज से उन्होंने तरबियत की मैट्रिक में भी मेरे हाईएस्ट नंबर उर्दू में ही थे डिस्टिंक्शन मेरी उसी में ही थी तो फिर उसी फील्ड में घर वालों ने की कोशिश तो ये थी कि मैं मेडिकल डॉक्टर बन जाऊँ लेकिन फिर बड़ी खुशी से उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि क्या बार बार तो कितने बहन भाई आप और हाँ हम चार बहन भाई अच्छा हाँ दो बहन है दो भाई uh, मेरी बड़ी बहन जो है वो टीचर हैं बड़े भाई इब्राहिम खुश साहब वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे रिटायर हो गए हैं छोटी बहन जो है वो बी ए के बाद मतलब हाउस वाइफ हैं एंड देन आई ज्वाइन द यूनिवर्सिटी तो मैंने यूनिवर्सिटी में फिर uh, Uh, मेरा ख्याल है कि लेट मी कन्फेस मैंने लव मैरिज की बहुत अच्छा और मेरी मिसेस इस वक्त डीन है फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस में नमल में अच्छा वो शालतीफ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ हमारा टाकरा हुआ और वहीं से ही जो है वो ये और, तो उम्र ऐसी होती, हाँ, होती है होती है, है होना भी हाँ, चाहिए होना भी, होना भी होना चाहिए।, चाहिए और फिर घर वालों की तरफ से भी ये था कि लेकिन हुई बड़ी मुश्किल से शादी ना क्योंकि वो मेरे ससुराली ज़रा इस मामले में जो है ना वो <laughs> खुश नहीं थे कि ये होना चाहिए लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू माई वाइफ के उन्होंने फिर मेरा साथ भी दिया उन्हें खुश रखे लेकिन शी इज़ वेरी काइंड डॉक्टर सूफिया लोधी सही तो दो मेरे बेटे हैं बड़ा बेटा जो है वो अभी नष्ट से दो साल पहले उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया तो ना पहले उन्होंने एच बी एल ज्वाइन किया था वहां पर मैनेजर की लेवल तक पहुंचे हालांकि असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट हुए थे फिर उनको जल्दी प्रोमोशन मिल गई तो मैनेजर लेकिन अब वो आ गए हैं जेज में उससे ज्यादा अच्छा पैकेज उनको मिला हुआ छोटा बेटा जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में है अच्छा और हैरानी की बात है मैं शायर नहीं हूँ मेरे दोनों बेटे शायर हैं अच्छा या वो शायरी वाला जेनेटिक तो मौजूद है ना वो हाँ लेकिन मुझ में तो आ, लेकिन आपने नहीं हुआ, शायरी नहीं।, नहीं हुआ तो वो दोनों अच्छी पोएट्री भी करते हैं और बड़ा वाला जो है वो मतलब म्यूज़िक के कुछ सास भी अच्छा बजा लेता है छोटा बजाते खुद गुनगुनाता भी है क्या बात और है। मेरा जी चाहता है मैं कभी कभी कोई म्यूज़िक पे नाच लूं लेकिन मैं मेरी तरबियत कुछ इस दिन मैं नाच नहीं सकता मेरे दोनों बच्चे नाचते हैं खुशी से वाँ वाँ। और मैं खुश होता हूँ उनको देख के तो जिंदगी के मुख्तलिफ रंग है बहुत अच्छा हाँ इसमें जाहिर है कि चीज़ें मैं तो कहूँगा कि यह हमारी खुश पखती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में और तमाम अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए राहें खोली क्या है। बात है बिल्कुल सही डॉक्टर साहब बस गुफ्तु इख्तिताम पर है और आपसे ये पूछना है जो समझ लें कि बड़ा बुनियादी सवाल है कि जो नए नस्ल के लोग फ़िक्शन लिख रहे हैं या नॉन फिक्शन लिख रहे हैं तहक़ीक में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे एक स्टेज आती है जहाँ उन्हें अपनी किताब छपवानी होती है और वो नहीं जानते सरकारी प्रोसेस नहीं जानते लोगों को नहीं जानते लेकिन फ़िक्शन निगार सच्चे हैं तो क्या अकेदमी उनको किस तरह गाइड करेगी ये ज़रूर बताइए ताकि वो लोग आप तक पहुँच सकें बिल्कुल सही जैसा कि शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि आ... अट्ठाईस सौ उन्तीस इदारे हैं जिनकी हम फंडिंग सर बाज दफ़ा ये इदारे ही आजा हाँ, फरमाएं उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं क्योंकि अकेडमी भी कोई इतनी फंडिंग नहीं करती अगर फर्ज करें किसी इदारे को चार लाख रुपए सालाना दे दिए तो उसमें से कितनी चार किताबें ही आ सकती हैं और कई राइटर्स हैं जो कि मतलब चाहते हैं कि उनकी चीज़ें आनी चाहिए लेकिन अकेडमी ये कर रही है कि देखें एक तो अदब्यात हमारे यहाँ से जो एक निकलता था हमने ये कर दिया कि हर सूबे से अदब्यात निकालना शुरू कर दिया मैंने आते ही कि भाई और फिर तमाम मकामी ज़ुबाने उसमें लिखी जाए ना ताकि एक स्पेस तो मिले ना लिखने वालों को बिल्कुल तो वो पंजाबी में लिख रहा है या वो बलूची में लिख रहा है या पश्तो में लिख रहा है वो अपनी मदर टंग में अगर लिख रहा है तो उसका हक बनता है कि वो उसको उसको जो है वो पढ़ा जाए तो एक तो हमने ये स्पेस डेवेल्प किया है इसी तरह इंटरनेशनल अदबियात भी निकाला है कि ये थोड़ा सा गुंजाइश अकेडमी ने यही चीज़ जहन में रखते हुए कि ज़्यादा लिखने वालों को मौाक़ मिल सकें अब रही बात यह कि इनको नेशनल एक्सपोयर कैसे दिया जाए हमने ट्रांसलेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसमें हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी जुबानें हैं उनमें जो कुछ लिखा जा रहा है उसको उर्दू में हम कर लें ताकि लोग समझ सकें और फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उर्दू की या दीगर ममालिकुबानों की उसमें हमने यानी ये अंदरून ख़ाना फिर बैरून खाना हम ये करें कि जो भी लिटरेचर बाहर छपा जा रहा है उसका अगर ट्रांसलेटर हमें मैसर हो तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के तवसत से कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी आ, पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनका इल्मो अदब से ताल्लुक है की है वो उस मुल्क की ज़ुबान अगर जानते हैं तो वो उस मुल्क की ज़ुबान में हमें बताएं ट्रांसलेट करके हमें हैं उसको इसी तरह वर्सा, अगर वो अपनी मादरी जुबान में करे, अगर बाहर बैठा हुआ स्पीकिंग है बलोची स्पीकिंग है और वो चाहता है कि मैं जापानी जुबान जानता हूँ और जापानी को मैं बलोची में तर, हम बलोची में उसको शाया कर देंगे और इसी तरह फिर एक प्रोजेक्ट हमने और शुरू किया है अंडर फिफ्टी ईयर्स जी हमारे यहाँ आपने एक मुहावरा सुना होगा खासतौर पर वो चलता है कि फला के इंतकाल से एक बड़ा हाल पैदा हो गया जी, जी, जी। तो वो मुझे हो जाता है हाल यकीनन पैदा होता है लेकिन मुझे ये था कि इस हाल को क्यों नहीं मतलब कवर किया जाए कि ये पैदा ना हो उसके लिए फिर हमने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया कि अंडर फिफ्टी जो एप्रिसिएशन का हमारे यहाँ जो है ना स्टाइल जरा जो है वो कमजोर है जिंदगी में हाँ, उस वो लिखने वाले वाले पढ़ने वाले आप फरमा रहे तो तो अब तो इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि भैया पाकिस्तान पचहत्तर साल का हो गया है तो क्या पचहत्तर साल में हमारे अपने आइडियल नहीं हो सकते बिल्कुल आज भी हम जो है वो अठारह की तरफ चले जाते हैं या जो है वो बहुत ही पुराने दौर में हमारे क्लासिक शौरा को जो है लेते हैं हमारे अपने कहाँ हैं उनको भी तो आगे आना चाहिए तो फिर मुझे ये था कि पचास साल से कम उम्र के जितने भी लिखने वाले हैं उन फेमस लिखने वालों की तहरीरों को ट्रांसलेट किया जाए अच्छा वो हम करवा रहे हैं ना वो जुबानों की जो है ना वो ट्रांसलेशंस हमने जो है वो अंग्रेज़ी में करना शुरू किया ताकि इनको इंटरनेशनल एक्सपोयर मिले बिल्कुल लोग जाने इनको और फिर यह है कि आपस में रवाबित अभी आ, आप देखें आई टी का ज़माना है डिजिटल ज़माना है लेकिन हम ये अखराज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तमाम अदीबों को बाहर ले जाएं और वहाँ से बाहर इनको बुलाएं तो किताबी सूरत में तो हम उनको आगे भेज बिल्कुल सकते। क्योंकि डॉक्टर साहब नोबेल प्राइज़ वग़ैरह जो मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी किरदार तराजुम का है कि मुख्तलिफ अदीबों के तराजुम होते हैं तो अकेडमी तक वो गूंज जाती हाँ, है फरमा रहे हैं और मैं देखें मैं कुछ चीज़ें क्योंकि लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है ना आप किसी को डिकटेट नहीं करवा सकते अब उसमें महक्क तो अपने हिसाब से चीज़ों को चुन के बाहर निकाल लेता है लेकिन अगर आप नोबेल प्राइज़ की जहाँ बात की है और उसकी पूरी हिस्ट्री को अगर आप देखें ना तो आप देखें कि नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली जितनी भी शख्सियात हैं वो आपको ऑलराउंडर नहीं मिलेंगी वो किसी मखसूस सिंफ के साथ और किसी मखसूस मौजू के साथ उन्होंने सारी उम्र गुजारी होगी बिल्कुल ठीक और बिकॉज ऑफ दैट जो है ना वो परफेक्शन है हमारे यहाँ थोड़े से जिन भी ममालिक से मतलब यूं कहना चाहिए कि बहुत अच्छा अदब हमारे सामने आ रहा है तो उनकी कंटिन्यूटी और यकसाइत अगर हो ना तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कोई लिखने वालों कम ताकत वाले हैं बिल्कुल आप उनकी चीजें पढ़ें तो आपको लगता है किसी भी नोबे प्राइज नोबल प्राइज होल्डर की के तहरीर को आप पढ़ें और फिर यहाँ पर जो हमारे फेमस राइटर हैं उनकी तहरीरों के आप उठा के पढ़ें चंद चीज़ें आपको उनसे टक्कर की ऊपर की दिखाई देंगी ऐसे ही तो बाज़ मकाम पर रसाई नहीं है बाज़ मकाम पर कंटिन्यूटी नहीं है बाज़ मकाम पर मुशाहे और मुताले के लिए वक्त नहीं है तो ये अदीबों की जो है ना वो कुछ मजबूरियाँ हैं यूँ कहना चाहिए कि वक्त की किल्लत है कहीं पर वसायल कम है तो इन चीज़ों को कैसे कवर किया जाए उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो इस ग्रुप को या इस फोरम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें ठीक तो होप फॉर द गुड बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत मज़ा आया बहुत सारे तशना सवालों के आपने जवाब दिए मैंने बहुत सारे तल्ख सवाल शीरी पैकिंग में भी पेश किए जिसका आपने बहुत ही शीरी अंदाज में हंसवे रिवायत जवाब दिया लेकिन अच्छा लगा कि अगर आप कम अज़ कम ओन कर रहे हैं चीज़ों को और ये मान रहे हैं कि चलो भाई अगर कहीं गुंजाइश है तो उसको बेहतरी की ज़रूरत रहती है और करेंगे तो यही होना चाहिए मेरा ख़्याल है आ, एक अदारे को अगर इस तरह से पिदराना शफकत के साथ अगर अपने को याद रखेगा तो मुझे लगता है कि हम मिलजुल कर अपने मुल्क का नाम रोशन हाँ, करेंगे और दूसरी बात देखें अकेडमी का चेयरमैन कोई ब्यूरोट तो नहीं होता जी वी आर हेयर टू सर्व द नेशन जी कौम की जरूरत क्या है सोसाइटी की जरूरत क्या है अदीब जो कुछ कर रहा है उस हवाले से उस प्लेटफार्म से जो उसकी खिदत है उसको मंजर मंजरआम पर लाना है तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इंटरव्यू लेने वाला अच्छा होना तो कितनी ही चीज़ें मुश्किल क्यों ना हो वो आसान बनती चली जाती हैं तो इस मामले में मैं तो ये कहूँगा कि आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने मेरे बचपन से लेकर मेरे इस बुढ़ापे तक सारी चीज़ें आपने बड़े आराम से जो है थोड़े से वक्त में ले ली ले ले। लेकिन आई एम हैप्पी विथ यू मुझे खुशी हुई आपसे बात करके आपसे गुफ्तु करके और मेरा ये ख्याल है कि आपने कई सवाल ऐसे भी उठाए जो मेरे लिए माशा राह भी है रहेंगे कि हम उन चीज़ों पर तेज़ी से काम करें और वो वक्त की ज़रूरत है क्योंकि वो बेशक भरपूर अंदाज में उन चीज़ों को जहाँ जहाँ नहीं एड्रेस किया गया तो दिस इंटरव्यू विल हेल्पफुल फॉर मी कि हम उसको किस तरह आगे ले थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया मैंने भी बहुत सीखा और मैं अमूमन चूँकि एक तख्लीकार भी हूँ तो नाराज़गी का अंसर ज्यादा रहता है लेकिन आज बहुत खुशी मैं जमा करके भर के लेके जा रहा हूँ कि एक अच्छा मुकालमा करने का मुझे मौका मिला बहुत और इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से आपका नाजरीन आपने गुफ्तु सुनी डॉक्टर यूसुफ खुश साहब की और हमने मुख्तलफ़ी अदबी तख्लीकी समाजी सकाफती जहतों में बात की उम्मीद करते हैं कि इस मुकालमे से आपने लुत्फ़ उठाया होगा दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की एक मोज़ मेहमान शख्सियत के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुरम सुल को चाय खाना के इस स्पेशल एपिसोड कराची के बाद इस्लामाबाद लाहौर एडिशन के साथ दीजिएगा इजाज़त खुदा हाफ़